तो बच्चों, हमने बताया एपी डर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमाटा को हम लोग एपी डर्मल टिश्यू सिस्टम में ही पढ़ते हैं, है ना। और स्टोमाटा किन पत्तों में कैसे अरेंज होता है, इस बात को जानने के लिए हम एक पत्ते को तुमको दिखा रहे हैं। ये पत्ता है डायकॉट का पत्ता। कैसा पत्ता है ये? डायकॉट का पत्ता। प्लांट को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक डायकॉटिलेडन और दूसरा मोनोकॉटिलेडन। डायकॉट के पत्ते की खूबी क्या होती है, ये देखो, ये पत्ता ग्रो कर रहा था थ्रू आउट, ये ऐसे ही ग्रो किया। इसके ऊपर वाले सरफेस को कहते हैं अपर सरफेस और नीचे वाले को कहते हैं लोअर सरफेस। लेकिन अब हम लोग यहां से कई और नामों को जान रहे हैं। अपर सरफेस को अब हम लोग कहने लगे वेंट्रल सरफेस और नीचे वाले को कहने लगे डॉर्सल सरफेस। फिर तीसरा नाम अपर सरफेस को हम लोग कहने लगे अडेक्सियल सरफेस और नीचे वाले को कहने लगे अबेक्सियल सरफेस। ये जो नाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हम लोग एक नाम लिखे अडेक्सियल सरफेस, है ना, फिर उसी का नाम रखे वेंट्रल सरफेस और इसको हम लोग कहे अपर सरफेस भी। तो ये वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस को अगर हम भूल जाते हैं कि कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंट्रल है, तो पहले इन दोनों शब्दों को समझो। डॉर्सल का मतलब होता है पीठ और वेंट्रल शब्द का मतलब होता है पेट। क्या क्या हम लोग बताए? डॉर्सल का मतलब पीठ और वेंट्रल का मतलब पेट। इसको समझने के लिए हम लोग ये सोचो कि हम लोग सो रहे हैं तो ये पत्ता भी सो रहा है, और जब हम लोग सो रहे हैं तो हमारा पेट कहाँ है? ऊपर की तरफ, और पीठ कहाँ है? नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे वाले को क्या नाम दिए? डॉर्सल। और ऊपर वाले को क्या नाम दिए? वेंट्रल, है ना। ऊपर वाले का नाम वेंट्रल, ये हम लोग सो रहे हैं तो हम लोगों का पेट है, और ये जब हम लोग सो रहे हैं तो ये पीठ है। तो नीचे के सरफेस को कह दिए। अब सिंपल सा दो टर्म है, लोअर सरफेस इजीली याद रहेगा, अपर सरफेस इजीली याद रहेगा, लेकिन डॉर्सल और वेंट्रल में कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये तरीका बताया। डॉर्सल सरफेस इज द लोअर सरफेस, पीठ को कहते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तो पीठ हमारी नीचे होती है, है ना। उसी तरह से ऊपर सरफेस का नाम हमने रखा वेंट्रल सरफेस, ये हमारा पेट है। अब एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में सनलाइट कहां ज्यादा पड़ रहा था? सनलाइट ऊपर के सरफेस पे, हम लोग जिसको वेंट्रल सरफेस कह रहे थे, यहां पे सनलाइट ज्यादा आ रही है, और सन के साथ साथ हीट भी ज्यादा आ रहा होगा, हीट और लाइट दोनों ज्यादा आ रहा होगा। इसीलिए पत्ता एक मैकेनिज्म डेवलप किया, ऐसे पत्ते को हम लोग कहे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये डायकॉट का लीफ है। ऐसे पत्ते में अगर ऊपर में स्ट्रोमाटा का नंबर ज्यादा होता तो ज्यादा से ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर निकल जाता। प्लांट से पानी बाहर नहीं निकले या कम निकले, इसीलिए प्लांट एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और वो मैकेनिज्म था नंबर ऑफ स्टोमाटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस। स्टोमाटा का नंबर कहां ज्यादा है? लोअर सरफेस पे ज्यादा है। कहां पे ज्यादा है? लोअर सरफेस पे ज्यादा है। लोअर सरफेस को अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डॉर्सल सरफेस का नाम दिया, और इसको हम लोग अबेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। इसका क्या नाम रखेंगे? अबेक्सियल। ये वर्ड एनसीईआरटी का वर्ड है, अबेक्सियल सरफेस। तो यहां पे तीन नामों से इसको जान गए हम लोग, है ना। तो हम लोग कौन कौन सा नाम बोले इसको? अबेक्सियल सरफेस एक टर्म लिख दिए, और दूसरा क्या नाम रखे इसका हम लोग? डॉर्सल सरफेस। तीसरा नाम रखे हम लोग लोअर सरफेस। तो पत्ते के नीचे वाले सरफेस को तीन नामों से जानते हैं। क्या क्या नाम दिए? ये डॉर्सल सरफेस है, पीठ है, ये लोअर सरफेस है, और ये बेस का पोर्शन है, है ना। तो बेस वर्ड से मिलता जुलता ये टर्म है अबेक्सियल सरफेस। ऐसे पत्ते में ज्यादा स्टोमाटा, मोर स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस एंड लेस स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। ऊपर के सरफेस पे स्टोमाटा कम है, नीचे के सरफेस पे स्टोमाटा का नंबर ज्यादा है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया।
मतलब स्टोमाटा इन डायकॉट को डिस्कस कर रहे थे, इन ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डायकॉट के पत्ते को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोले, क्योंकि क्लियर कट एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस दिख रहा है। क्लियर कट वे में ये दो पार्ट में डिफरेंशिएशन हो गया है। ये दो पार्ट, ऊपर के सरफेस पे ज्यादा लाइट और हीट पहुंच रही है, नीचे के सरफेस पे कम हीट और लाइट आ रहा है। इसी पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों ने इसका नाम रखा डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ ये कॉमनली डायकॉट के प्लांट का कैरेक्टर होता है। किस प्लांट का कैरेक्टर है ये डायकॉट के प्लांट का कैरेक्टर है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये हो गया डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है मोनोकॉट के पत्ते के बारे में। मोनोकॉट के पत्ते के बारे में आप यूं समझो कि जब इसका ग्रोथ होता है, ओरिजिन होता है, तो वो इस तरह से ग्रो करता है कि एक सरफेस पे सुबह से लेके 12 एक बजे तक लाइट, सन ईस्ट में है, ये सोच लो ईस्ट है, तो सन रे इस सरफेस पे आ रहा है और सन रोटेट कर रहा था, बेसिकली अर्थ रोटेट कर रहा था, हमको सन रोटेट करता हुआ दिखता है, तो दूसरे सरफेस पे 12 बजे के बाद इस सरफेस पे लाइट आ रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट इधर भी सुबह से 12 बजे तक और 12 बजे के बाद इस सरफेस पे, मतलब ऊपर वाले को वेंट्रल कहे थे, नीचे वाले को डॉर्सल कहे थे, पत्ता यूं दिखा रहे हैं, तो सनलाइट दोनों ही सरफेस पे इक्वल इक्वल अमाउंट के लिए आ रहा है ना, सुबह से लेके 12 बजे तक इस सरफेस पे, 12 बजे के बाद इस सरफेस पे। अगर शाम तक कैलकुलेट करें तो क्या कहेंगे, बोथ द सरफेस इज गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट। इसीलिए एनाटॉमिकली दोनों सरफेस एक सा हो गया। एनाटॉमिकली क्या हो गया, चूंकि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आया, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आया, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग कहेंगे कि एनाटॉमिकली दोनों सरफेस एक सा हो गया। ऐसे लीफ को हम लोग कहते हैं आइसो, मतलब इक्वल, बाई मतलब दोनों, लैटरल, दोनों साइड इक्वल ही, इक्वल काइंड ऑफ अरेंजमेंट दिख रहा था। आइसो मतलब इक्वल। अब आइसो बिलेटरल लीफ ग्रो तो ऐसे करता है, लेकिन बाद में फिर ये डॉर्सी वेंट्रली हो जाता है, तो एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस फिर दिखने लगा, लेकिन दोनों ही सरफेस, ये हम लोग क्या करें, आइसो मतलब इक्वल, दोनों सरफेस एनाटॉमिकली इक्वल हो गया, बाई मतलब दोनों, लैटरली अरेंज सरफेस, दोनों सरफेस इक्वल हो गया, इसीलिए मोनोकॉट के लीफ को हम लोग क्या कह दिए, आइसो बाई लैटरल लीफ। क्या नाम दे दिए इसको, आइसो बाई लैटरल लीफ। अब चूंकि दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आया था, इसीलिए नंबर ऑफ स्टोमाटा भी दोनों सरफेस पे ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। दोनों सरफेस पे स्टोमाटा का नंबर कैसा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये जो हम लोग कैरेक्टर देख रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख रहे थे। तो अब हम लोग डायकॉट और मोनोकॉट के स्टोमाटा के अरेंजमेंट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डायकॉट के पत्ते में स्टोमाटा स्कैटर्ड दिख रहा है और मोनोकॉट के पत्ते में ये पैरेलली अरेंज दिख रहा है। ये फिर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम लोग स्टोमाटा को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, क्योंकि स्टोमाटा आर टाइनी पोर, दे आर वेरी स्मॉल पोर विच कैन बी ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप। तो हम लोग देख रहे थे इसको, तो दोनों में क्या दिखा, एक डायकॉट के लीफ में, दिस इज अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डायकॉट का लीफ कैसा कहलाएगा, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, इन विच मोर स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। बट इन केस ऑफ आइसो बायलेटरल लीफ कहां मिलेगा, मोनोकॉट में। मोनोकॉट के कुछ प्लांट का डिस्कशन किए थे, राइस, वीट, मेज, सुगर केन, है ना, ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, बैम्बू, ग्रास, ये सारे प्लांट्स मोनोकॉट्स के कॉमन प्लांट्स हैं। तो मोनोकॉट के प्लांट में स्टोमाटा कैसे अरेंज है, तो पैरेलली अरेंज्ड है, ज्यों जैसे तैसे बिखरा हुआ, स्कैटर्ड नहीं है। ये दो प्लांट की बात हम लोग की, अब तीसरे प्लांट की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग स्टोमाटा के डायग्राम को भी समझेंगे, लेकिन पहले स्टोमाटा कहां कहां मिल रहा है, इन बातों को देख रहे थे। तो हमने कहा अब एक वाटर के लेवल को समझो और ये सोचो कि ये पानी है। क्या समझना है, कि ये पानी है, नीचे से यहां तक के लेवल पे पानी है। अब इस पानी में दो तरह का पत्ता प्लांट पाया जाएगा। एक प्लांट ये देखो, इस पे रख दिए और ये फ्लोट कर रहा है, पानी पे फ्लोट कर रहा है, इसको कहेंगे फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट, है ना। ये कैसा प्लांट हो गया, जो पानी में फ्लोट कर रहा है, इसको कह देंगे फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट। तो इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टोमाटा
देखो नीचे का सरफेस पानी के टच में है ना, नीचे का सरफेस कहाँ है, पानी को टच कर रहा है, इसीलिए इस सरफेस पे स्टोमाटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मिलता तो क्या होता, अगर मिलता तो ये यहां से पानी वेपर के फॉर्म में नीचे नहीं जा पाता, और पानी के सरफेस पे इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हो पाता, ये वेस्टेज चला जाता। इसीलिए प्लांट अपने किसी भी चीजों को वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए यहां पे लोअर सरफेस पे स्टोमाटा मिलता ही नहीं है। तो स्टोमाटा कहां मिलेगा, पानी में जो फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट होता है अपर सरफेस पे स्टोमाटा पाया जाता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इन ए सबमर्ज प्लांट, अगर प्लांट पानी में डूब गया है, सबमर्ज्ड है, पानी में डूबा हुआ है, तो ना तो अपर सरफेस पे ना तो लोअर सरफेस पे, क्योंकि पानी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए जो पोर्स होगा ना, वो पोर्स काम यूजफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पानी है, इस एरिया में क्या पूरा पानी है, और स्टोमाटा का काम क्या था, ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करना। मतलब ये था कि ये यूजफुल नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए इस डूबे हुए प्लांट में, सबमर्ज प्लांट में स्टोमाटा नहीं मिलेगा, है ना। तो इन सबमर्ज प्लांट स्टोमाटा आर एबसेंट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट का एक एग्जाम्पल हम लोग लिखे, वाटर लिली, पानी में देखना वाटर लिली का प्लांट पत्ता तैर रहा होता है, वहां पे जाके देखो उसके सरफेस पे, उसको निकालो और अगर माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन कर पाओ तो देखो एग्जामिनेशन करके कि क्या दिख रहा था, स्टोमाटा मोर ऑन द लोअर सरफेस। सही है गलत? बिल्कुल गलत। स्टोमाटा तो लोअर सरफेस पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोअर सरफेस तो पानी के टच में था, सिर्फ अपर सरफेस पे ही स्टोमाटा मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं एक जीरोफाइटिक प्लांट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट किसको कहते हैं हम लोग, जीरोफाइटिक प्लांट हम लोग कहते हैं ऐसे प्लांट को जो पानी की कमी में या डेजर्ट एरिया में ग्रो कर रहा होता है। ऐसे प्लांट में स्टोमाटा कहां मिलता है ये देखते हैं हम लोग। ऐसे प्लांट में स्टोमाटा, ये दिखा रहे हैं लीफ है, और ये स्टोमाटा टिश्यू के अंदर इम्बेडेड है, धसा हुआ है ना, क्या है टिश्यू के अंदर में इम्बेडेड है, और जितना ज्यादा इम्बेडेड होगा उतना ही पानी के बाहर निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे स्टोमाटा को हम लोग क्या कहते हैं, सनकेन स्टोमाटा। क्या नाम दिया इसका हम लोग, सनकेन स्टोमाटा। तो द स्टोमाटा विच आर प्रेजेंट ऑन ग्रूव, ये ग्रूव में अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, हम लोग इसका नाम रखे हैं सनकेन स्टोमाटा। और सनकेन स्टोमाटा कॉमनली कहां मिलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉमनली दे आर प्रेजेंट इन डेजर्ट प्लांट। जो प्लांट डेजर्ट प्लांट होता है, जो जीरोफाइटिक प्लांट होता है, जो पानी की कमी में ग्रो करता है, ऐसे प्लांट को कहते हैं हम लोग डेजर्ट प्लांट। और उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है जीरोफाइटिक प्लांट। हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट। तो प्लांट को कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट में कई तरह का अडेप्टेशन देखा गया। क्या देखा गया, कई तरह का अडेप्टेशन देखा गया। इनमें से एक अडेप्टेशन है स्टोमाटा का ग्रुप्स के अंदर धसा हुआ मिलना, इम्बेडेड मिलना। इस इम्बेडेड स्टोमाटा को सनकेन स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस स्टोमाटा को हम लोगों ने नाम दिया सनकेन स्टोमाटा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हम लोग। अब हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली स्टोमाटा सुबह के समय खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है। ये स्टोमाटा खुलता और बंद होता है क्यों, क्योंकि स्टोमाटा के माउथ पे दो सेल होता है, जिन दो सेल का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे, इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड ही इस ओपनिंग को, जिस ओपनिंग का नाम स्टोमाटा रखा गया है, इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। इसके ओपनिंग को ओपन रखना है या क्लोज रखना है, इसको कंट्रोल कर रहा था। तो जेरोफाइटिक प्लांट में क्या हमने कहा कि नॉर्मली स्टोमाटा सुबह खुलता है और शाम को बंद हो जाता है, और दिन में इससे क्या होता रहता होगा, दिन में इस स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्रोसेस में वाटर वेपर के रूप में निकल रहा है। लेकिन जीरोफाइटिक प्लांट में जो प्लांट की कमी में ग्रो कर रहा है, वहां कुछ प्लांट्स में एक नया अडेप्टेशन आ गया,
और इस अडेप्टेशन में स्टोमाटा रात में खुलता है और दिन में बंद रहता है. रात में, दिन में बहुत गर्मी थी, अगर वो खुलता तो बहुत पानी बाहर आ जाता इन दी फॉर्म ऑफ वेपर. इससे बचने के लिए वो दिन में खुलता ही नहीं है, दिन में क्लोज रहता है और रात में जब ठंडक हो जाती है तब स्टोमाटा ओपन हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2, वाटर, CO2 और ऑक्सीजन को ले रहा होता है. ऐसे स्टोमाटा को हमने क्या नाम दिया? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा. किस स्टोमाटा को हमने स्कोटो एक्टिव कहा? दोज स्टोमाटा विच रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. ऐसा स्टोमाटा जो दिन में बंद रहता है एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट, और ये रात में खुलता हो, हम लोग इस स्टोमाटा को क्या नाम देंगे? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा. तो हमने स्टोमाटा के प्रेजेंस को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. In a dicot leaf, more stomata are present on the lower surface. In an isobilateral leaf, equal amount of stomata are present on both the surface. In a freely floating plant, stomata are present only on the upper surface. But in a submerged plant, पानी में डूबे हुए plant में stomata are all together absent. और finally हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? Xerophytic plant की चर्चा कर रहे थे. In a xerophytic plant, stomata are embedded. Stomata अंदर की तरफ embedded है. इस स्टोमाटा को sunken stomata कहा गया. और इनमें से कुछ स्टोमाटा तो ऐसा था जो रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है. हमने इसका नाम दिया स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा. तो ये हम लोग स्टोमाटा के स्ट्रक्चर को देख रहे थे. अब हम लोग स्टोमाटा के स्ट्रक्चर के बारे में फिर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं. नॉर्मली दो तरह का स्टोमाटा होगा, एक डाइकॉट के प्लांट में मिलेगा और दूसरा मोनोकॉट के प्लांट में मिलेगा. डाइकॉट के प्लांट में मिलने वाला ये जो पोर दिखा रहे हैं इसको कहते हैं स्टोमाटा. ये स्टोमाटा के दोनों तरफ एक एक सेल है. इस दोनों तरफ मिलने वाले सेल को गार्ड सेल कहा गया. क्या कहा गया? गार्ड सेल कहा गया. तुम लोग पिक्चर जाते हो और गेट के अंदर जाने के पहले वहां पे दो गार्ड होता है जो गेट को खोलता है. तो गेट के दोनों तरफ एक एक गार्ड है जो दरवाजा को खोलता है और तुम जब अंदर चले जाते हो तो फिर दरवाजा बंद कर देता है. ठीक उसी तरह से ये एक ओपनिंग है. इस ओपनिंग को कंट्रोल करेगा ये बगल वाला गार्ड सेल. ये खोलना है या नहीं खोलना है या बंद करना है, इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? तो हम लोग कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल. ये गार्ड सेल है जो स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. अब हम लोग तीसरी बात पे आ रहे हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गार्ड सेल क्या किया? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल किया. कैसे किया? तो फिर हम लोग इसको समझाते हैं. ये टर्जिट हो सकता है या फ्लैसिड हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? ये गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब हम लोग इसको कहते हैं टर्जिड. और जब इससे फिर वाटर बाहर निकल जाता है तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं फ्लैसिड. तो दो टर्म हो गया, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी. क्या क्या टर्म हो गया? टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी. जब ये वाटर को एब्जॉर्ब किया तब ये फैला और उस समय स्टोमाटा ओपन हो गया. ठीक इसी तरह से एक बेलून के बारे में सोचो. एक बेलून को लिए और इसमें खूब जोर से हवा भर दिए तो ये टर्जिड हो गया. अब ये टर्जिड कहलाता है लेकिन ज्यों ही इससे हवा निकल जाती है ये फ्लैसिड हो जाता है, है ना, ये दब जाता है. तो इसी तरह से गार्ड सेल जब वाटर का इनटेक करता है ये बल्ज आउट करता है बाहर की तरफ और ये ओपनिंग दिखने लगती है. इस ओपनिंग को कहते हैं स्टोमाटा. एक्चुअली स्टोमाटा एक एपर्चर है, एक क्रिसेंट शेप का बहुत पतला सा एपर्चर है जिसके दोनों तरफ एक एक गार्ड सेल थे. मीनिंग बाय देयर आर टू गार्ड सेल. और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है. हमने कहा था ना कि ये किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है. और एपिडर्मिस में कहीं भी क्लोरोफिल नहीं मिल रहा था एक्सेप्ट गार्ड सेल. तो ये गार्ड सेल के अंदर जो डॉट लाइंस दिखा रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्लोरोफिल है. पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में
कहीं भी क्लोरोफिल नहीं मिलता है एक्सेप्ट गार्ड सेल, और ये हमने दिखाया गार्ड सेल। तो अब हम लोग पूरे स्टोमेटल एपर्चर को देखना शुरू करो। इस एपर्चर का नाम दिया गया स्टोमेटल एपर्चर, इसके दोनों तरफ इन दोनों सेल्स का नाम दिया गया गार्ड सेल। अब गार्ड सेल की खूबी क्या थी, वो जो दो गार्ड था ना जो गेट पे बैठा हुआ था, वो बॉडी के अंदर शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट काफी मोटा था, और ऊपर से एक शर्ट डाल लिया था, बाहर से वो लग रहा था आउटर कवरिंग बिल्कुल पतला लग रहा था, लेकिन अंदर का उसका कवरिंग कैसा था, वो बहुत मोटा था। ठीक उसी तरह से यहां भी इसके इनर वॉल की जो थिकनिंग होती है वो बहुत ज्यादा है, इनर वॉल्स आर थिक इन कंपैरिजन टू आउटर वॉल, और आउटर वॉल कैसा होता है, बिल्कुल थिन होता है, पतला होता है। इनर वॉल कैसा होता है, इनर वॉल इसका मोटा होता है और आउटर वॉल इसका पतला होता है, थिन होता है। ये गार्ड सेल का कैरेक्टर है। अब हम लोग आते हैं गार्ड सेल के बाहर और भी कई सेल्स हैं। इस बाहर वाले सेल्स को हम लोग नाम दिए एक्सेसरी, है ना, क्या नाम दिए इसका, एक्सेसरी सेल्स, है ना। इसको हम लोग सब्सिडियरी सेल भी कहते हैं, सब्सिडियरी सेल। तो ये जो गार्ड सेल था इसके बाहर जो सेल है जिससे ये वाटर लेगा या वाटर इसमें जाएगा, उस बगल वाले सेल का नाम, उसके पड़ोसी सेल का नाम क्या रखा गया, सब्सिडरी। सब्सिडरी शब्द का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग, हेल्प करने वाला। तो इसको हम लोग नाम दिए सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी, हेल्प करने वाला, सहायक सेल। अब हम लोग गार्ड सेल के शेप को जरा सा गौर करें। एक डायकॉट के प्लान में ये दोनों गार्ड सेल का शेप देखने में किडनी के समान है, है ना, किसकी तरह है, किडनी शेप। और हम लोग कह सकते हैं बीन्स जो हम लोग खाते हैं ना, बीन्स बिल्कुल बीन के शेप में दिख रहा है, क्योंकि बीन का भी शेप कैसा है, किडनी की तरह होता है, और हम लोग कहेंगे दे आर किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। लेकिन अगर ये मोनोकॉट का प्लांट होता तो मोनोकॉट के प्लांट में ये स्टोमेटल अपर्चर है और ये दोनों वन एंड टू गार्ड सेल है। जरा गार्ड सेल को देखो और बताओ तो गार्ड सेल देखने में कैसा लग रहा है। ठीक तुम जो घर पे कभी कभी एक्सरसाइज करने के लिए डंबल यूज करते हो ना, उसी डंबल की तरह दिख रहा है, बीच में पतला और दोनों एंड्स डायलेटेड, फूला हुआ। इस शेप को हम लोग डंबल शेप कहते हैं। तो कहते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट ये कैसा होगा, डंबल शेप्ड होगा। मोनोकॉट में क्या होगा, ये डंबल शेप्ड होगा। फिर हम लोग इसके नंबर की बात करते हैं। ओवरऑल नंबर अलग अलग प्लांट में वेरिएशंस दिखता है। स्टोमाटा का नंबर क्या होता है, इसमें वेरिएशंस पाया जाता है। यहां पे हम लोग देखो डायग्राम को देखो, 100 टू 300 पर स्क्वायर मिलीमीटर, एक स्क्वायर मिलीमीटर में एक नॉर्मल प्लांट में 100 टू 300 स्टोमाटा दिख सकता है। लेकिन अगर ये प्लांट डेजर्ट एरिया का प्लांट है तो देखो नंबर कितना मिल रहा है, 10 टू 15 स्टोमाटा पर स्क्वायर मिलीमीटर। मतलब ये प्लांट के जेनेटिकल नेचर पे डिपेंड करता है कैसा प्लांट है और कितना स्टोमाटा मिलेगा। तो स्टोमाटा में भी प्रेजेंट, कितना स्टोमाटा दिख रहा होगा, 100 टू 300 स्टोमाटा में भी प्रेजेंट, 100 टू 300 स्टोमाटा में भी प्रेजेंट ऑन पर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया, वेयर एज 10 टू 15, ओनली 10 टू 15 नंबर्स ऑफ स्टोमाटा। मीनिंग बाय कि नंबर ऑफ स्टोमाटा किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टोमाटा प्लांट के नेचर पे डिपेंड करता है, प्लांट को वाटर कितना मिल रहा है इस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपिरेशन का रेट कितना होना चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है। इसीलिए देर आर वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्टोमाटा। और फाइनली हम लोग इस स्टोमाटा के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इसके सरफेस को बताया, पत्ते के सरफेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, कहा पत्ते के ऊपर के सरफेस को वेंट्रल, नीचे के सरफेस को डॉर्सल, ऊपर के सरफेस को अपर, नीचे के सरफेस को लोअर, ऊपर के सरफेस को अडेक्सियल और नीचे के सरफेस को अबेक्सियल का नाम दिया गया। फिर हमने डिस्कस किया एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में स्टोमाटा कहां ज्यादा मिला, हमने कहा इन ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ मोर स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। फिर हमने कहा इन ए आइसोबायलेटरल लीफ, एक मोनोकॉट के पत्ते को हमने आइसोबायलेटरल लीफ का नाम दिया और कहा इन ए आइसोबायलेटरल लीफ
इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में इक्वल इक्वल अमाउंट में स्टोमाटा मिल रहा है. फिर हमने तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इन ए सबमर्ज प्लांट, जो पानी में डूबा हुआ प्लांट है ना, इसमें तो स्टोमाटा आर ऑल टुगेदर एब्सेंट. फिर हमने बताया कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट अगर है जैसे वाटर लिली, तो उसमें पत्ते में स्टोमाटा कहां मिल रहा था, सिर्फ अपर सरफेस पे जहां पे हीट और लाइट आ पा रहा था. जो सरफेस पानी से अटैच था वहां तो स्टोमाटा बिल्कुल नहीं मिल रहा था. और फिर हम लोग आ गए ज़ेरोफाइटिक प्लांट की बात करने लगे. ज़ेरोफाइटिक प्लांट में स्टोमाटा कहां मिल रहा था, एक ग्रुप में मिल रहा था. इस ग्रुप में मिलने वाले स्टोमाटा को, धसे हुए इम्बेडेड स्टोमाटा को हमने सन किन स्टोमाटा का नाम दिया. और एक खास बात और हम लोगों ने बताया कि ऐसे प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में, तो स्टोमाटा रात में खुलता है कुछ प्लांट्स में, और उस प्लांट का हम लोग नाम देते हैं क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. हम लोग कहते हैं केम प्लांट, ऐसे प्लांट को हम लोग एक नाम देते हैं केम प्लांट, जिस प्लांट में स्टोमाटा रात में खुलता हो, हम लोग इसको एक नए नाम से जानते हैं. इस प्लांट में एक मैकेनिज्म होती है जिस मैकेनिज्म का पूरा नाम है क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया केम प्लांट. तो ये केम प्लांट बेसिकली वैसा प्लांट है जिसमें स्टोमाटा रात में खुल रहा हो और दिन में बंद होता हो. तो ये हम लोग स्टोमाटा को डिस्कशन कर रहे थे. अब एक स्टोमाटा को और अच्छी तरह से समझने के लिए ये समझो कि पत्ता इतना मोटा है, एक पत्ते के थिकनेस के बारे में सोचो. ये जो पत्ता हम लोग दिखा रहे थे ना, इस पत्ते के बारे में सोचो,